क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट एफ सज जेड माइनस वन टू थ्री आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन टू वन, एक्स प्लस मॉड एक्स वन टू टू, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टू टू थ्री। पूछा क्या सुनिएगा, डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है टी, देन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट। एफ की डिसकंटिन्यूटी पूछी है, ओनली वन पॉइंट, ओनली टू पॉइंट, ओनली थ्री पॉइंट। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, एक कंटिन्यूटी पूछ सकते थे और एक डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा इसका ट्रिक भी समझिए। मैं आपको ट्रिक ही इतनी अच्छी बताऊंगा कि आप बहुत ही कम स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर माइनस वन लिखूं तो भी माइनस वन मिलता, माइनस पॉइंट नाइन नाइन भी लिखूं तो भी माइनस वन मिलता, ठीक जीरो पे आके जीरो, पॉइंट नाइन 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 तक भी आपको पता है जीरो, ठीक वन पे आके ही नेचर चेंज होता। और मॉड फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, राइट। तो इसका मतलब हम यहां पर इस क्वेश्चन को समझें तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। पहला है माइनस वन से प्लस वन, माइनस वन पर मॉड नेगेटिव होगा और ये माइनस वन होगा, यानी आपको मिलेगा माइनस एक्स माइनस वन कब, माइनस वन से देखिए जीरो तक, राइट ठीक ठीक जीरो पर, जीरो से वन तक क्या होगा बताइए। पहले वाले पार्ट को ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान रखना, जीरो से वन तक क्या होगा। आप अलग से सोचिए कि मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा है और आपको स्किल दिया है माइनस वन से वन, तो ठीक जब मैं स्केल लेता हूं माइनस वन से जीरो के बीच में तो आपको पता है ये नेगेटिव ओपन होगा और इसकी वैल्यू माइनस वन मिलेगी। ठीक जीरो से लेके वन तक जाता हूं तो जीरो के बाद मॉड पॉजिटिव हो जाता है, और जीरो से वन के बीच में इंक्लूडिंग जीरो एक्सक्लूडिंग वन पॉइंट नाइन नाइन भी हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होता है, यानी अगला रिजल्ट यहां पर मिलेगा एक्स। अब उसके बाद आए वन से टू, अब देखिए कहां पर इसमें कंफ्यूजन होगा, वन से टू पर जब आओगे तो वन के बाद कोई भी नंबर, वन पर ये मॉड ही लिखा है तो ये सीधा सीधा टू एक्स हो गया। वन से लेके कहां तक बेटा, टू तक। अब आते हैं हम, अब यहां पर कहां घुमाया सोचिएगा कि यहां पर एक थ्री वर्ड को देके इक्वल टू थ्री देके पूरा कंसेप्ट और पूरा कंफ्यूजन चालू होता है। अब लिखा है एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अब आप बताइए मुझे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर टू का तो टू ही होगा, 2.999 का भी टू होगा, बट थ्री का ठीक थ्री होगा। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि टू से लेके थ्री तक इसका एक्सपांशन में ये मिलेगा एक्स और ये मिलेगा टू, यानी एक्स प्लस टू, और ठीक एक्स इक्वल टू थ्री पर ये बेटा आपको मिलेगा एक्स और ये मिलेगा थ्री, तो x प्लस थ्री। अगर ये किसी बच्चे ने गलत लिखा तो पूरी मेहनत आपकी समझ लीजिए बेकार हो गई। अब पूरा क्वेश्चन का कंसेप्ट यहीं पे जाके निकल के आता है, जहां पर ब्रेक हो रहे हैं वहीं पे कंटिन्यूटी चेक करनी, जैसे जीरो। अच्छा क्या होता है, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, कभी भी लिमिट चेक करनी हो कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो तीन चीजें लगती है, ये कहलाती है डिफाइंड वैल्यू, ये कहलाती है राइट हैंड लिमिट, और ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा, और ये कहलाती है डिफाइंड वैल्यू। पूरा कंसेप्ट यहां पर है, अगर कभी भी लिमिट चेक करना है, ऐसा लिखा होता ना लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो हमें केवल लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को चेक करना होता, इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं तो नहीं। अगर यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में आए तो ये दो तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए। और अगर आपसे डिफरेंशिएबिलिटी बोलिए तो आपको पता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यानी ये जो है ना बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आप बड़े इजीली जेई के क्वेश्चंस या किसी भी क्वांटिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखो जब हम जीरो माइनस एच रखते हैं, मतलब एच मतलब जीरो होता है, ट्रिक यही है ठीक है, एच का मतलब हमेशा याद रखिए जीरो ही होता है, तो जीरो रखने पर माइनस वन मिलेगा, जीरो रखने पर वन, तो इसका मतलब जीरो पर ये डिसकंटिन्यू है, एक पॉइंट आ गया। वन रखिए यहां पर, वन रखने पे वन, वन रखने पे टू, यानी वन पर भी ये डिसकंटिन्यू है, एक पॉइंट और आ गया बेटा, वन पे भी ये डिसकंटिन्यू है। अब रखा टू, तो टू रखते तो ये फोर और टू रखते तो ये भी फोर, तो टू पर ये कंटिन्यू है
अब रखो थ्री, तो थ्री रखा तो ये मिला फाइव और थ्री रखा तो ये मिला सिक्स, तो थ्री पर भी ये डिसकंटिन्यू है। तो तीन पॉइंट ऐसे हैं जहां पर डिसकंटिन्यू है और एक पॉइंट ऐसा जहां पर कंटिन्यू है, यानी x इक्वल टू टू पर ये कंटिन्यू है, x इक्वल टू जीरो फिर वन और फिर थ्री, इन पर ये बेटा डिसकंटिन्यू है। अभी के हिसाब से क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी पॉइंट डिसकंटिन्यू, तो आपका आंसर होता है ओनली थ्री पॉइंट्स। अगर कंटिन्यू पूछा होता तो आप लिखते ओनली वन पॉइंट। यानी एक प्रॉपर ब्रेक करने से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर गए। एक्चुअल में मैं क्या करता हूं, देखिए छोटी सी चीज समझिए, जब मैं जीरो माइनस एच लिखता तो मैं ये वाला फंक्शन कंसीडर करता और मैं ऐसा लिखता माइनस जीरो माइनस एच माइनस वन पर एच की जगह जीरो। तो ये सब काम मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, जहां जहां एच हम रख रहे होते हैं ऐसे ही जब हम वन प्लस एच या वन माइनस एच रख रहे होते तो वन प्लस एच पर ये वाला फंक्शन होता, वन माइनस एच पर बेटा ये होता, एच की जगह जीरो रख देते, इस तरह से मैंने देखा है। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक ये था।